हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड फन विद प्रिया। तो आज मैं फायर एंड आइस चैप्टर मतलब पोयम लेकर आई हूँ। इसके भी राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो मैंने इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था, मतलब पोयम पढ़ाई थी डस्ट ऑफ स्नो। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि दोनों के राइटर सेम हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फायर एंड आइस। अब सोच रहे होंगे आप फायर है और आइस आग है और बर्फ है। नहीं, फायर मतलब एक जगह तो हेट है और एक तरफ है डिजायर। अब आप समझ ही नहीं होंगे, मतलब इनमें से दोनों में से एक को क्या बोला गया है कि इनमें से एक तो क्या है, नफरत है। नफरत से जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें मतलब मैं समरी बताती हूँ, इसमें कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई दुनिया से ख़त्म मतलब नफ़रत से जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई इतनी चाहते हैं, मतलब इतनी चाहते हैं आप, इतनी आपकी ख्वाहिशें हैं, उसकी वजह से आपकी जो मतलब दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें सब कुछ ये बताया गया। तो मैं आपको इस चैप्टर पढ़ाती हूँ, मतलब पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम इन फाइस। और कुछ बोलते हैं कि ये जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी आग से, और दूसरे कहते हैं मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी आइस से। ठीक है, हाँ, तो जो आइस है, आइस को डिनोट किया गया है किससे, नफ़रत से। और जो फायर है उसे डिनोट किया गया है डिज़ायर से, ख्वाहिशों से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्ट ऑफ डिज़ायर आई होल दोज हु फेवर फायर। और फायर को जैसे कि मैंने आपको बताया डिनोट किया गया है डिज़ायर से, तो वो पोइट जो पोइट है वो क्या कहता है कि जो दुनिया है ना वो डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी। मैं फेवर में हूँ किसके हूँ, डिज़ायर के, मतलब फायर की मैं फेवर में हूँ। बट इफ़ इट हैड टू प्रियस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड शफास। तो इसमें क्या बोला है, पैरिश का मतलब देख लीजिए, पैरिश का मतलब है डाई। ठीक है, और सफेस का मतलब है बी सफिशेंट। तो देखिए गाइस, तो इसमें बोलते हैं पोइट, मतलब पहली बार में तो मैं चाहूँगा कि जो दुनिया है वो ख़त्म हो फायर से, बट मैं दूसरी चांस में चाहूँगा कि जो दुनिया है वो ख़त्म किससे हो जाए, वो ख़त्म हो जाए नफ़रत से। पहले तो ख्वाहिशों से मर जाए जितने भी दुनिया वाले, ख़त्म हो जाए दुनिया। पर जब दोबारा अगर हम बात करें कि दोबारा ख़त्म किससे होगी, तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा ख़त्म हो हेट से। ठीक है, हेट को किससे डिनोट किया गया, आइस से। ठीक है, इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये भी मतलब बहुत अच्छा है। इसमें बस ये बोल रहे हैं कि भाई फायर है, अगर दुनिया एक बार इससे ख़त्म होती है तो दूसरी बार उससे होगी, बस इसमें यही बताया गया है। एंड वुड सफिस, ठीक है, और इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके क्वेश्चन ऐसे कुछ है नहीं। हाँ, मैं इसके राइमिंग वर्ड्स बता देती हूँ, फायर ए बी ए बी सी, मैं लिख देती हूँ, ए बी ए ए बी सी बी डी एंड बी। ठीक है, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो सुन लीजिए, राइमिंग वर्ड ए बी ए ए बी सी बी डी बी। ठीक है, तो इसकी इसकी राइमिंग स्कीम थी। ठीक है, ये चैप्टर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया है। वैसे इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इस चैप्टर के MCQ वगैरह भी दूंगी, डस्ट ऑफ स्नो के भी जल्दी आ जाएंगे, और मैं इसके भी MCQ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबके आएंगे। ठीक है, और सैम्पल पेपर भी मैं कराऊंगी, चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड लाइक शेयर, थैंक यू।